गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो जी, इसमें इस पिक्चर में आपको एग को हाफ करके दिखाया गया है ताकि उसके इंटरनल पार्ट्स को आप इजीली पहचान सको। तो इसके क्या हैं, फोर पार्ट्स होते हैं, एग शेल, एल्ब्यूमेन, एम्ब्रियो एंड योक। ठीक है, दोबारा से सुनो, एग शेल, एम्ब्रियो, एल्ब्यूमेन एंड योक। इसको वन बाय वन क्या है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसको क्या है रेकोगनाइज करो। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना एग का, वाइट कलर का, ठीक है, जो छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं, एग शेल बोलते हैं। एग शेल के बाद किसकी टर्न आती है, एग शेल के बाद होता है ये येलो कलर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं योक। योक के अंदर क्या होता है, ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या होता है, ये एज अ फूड मान सकते हैं हम इसको भी, एम्ब्रियो जो अपना फूड है, क्योंकि उसने ग्रो तो करना ही है। एम्ब्रियो मीन्स जो बेबी इसके अंदर ग्रो कर रहा है, उसने अपना फूड कहाँ से लेना है, योक से लेना है। अब योक के अंदर क्या होते हैं, फैट्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और विटामिंस होते हैं, जिससे ये क्या है, इससे अपना फूड लेके क्या करता है, ग्रो करता है। और सेवरल वीक्स के बाद क्या है, फिक्स टाइम के बाद क्या है, एग शेल क्या होता है, टूट जाता है, उसमें से क्या है, बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तो था योक। योक क्या होता है, जो एम्ब्रियो का क्या होता है, फूड कह सकते हैं उसको, फूड होता है, इसके अंदर प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स और फैट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाइट कलर के अंदर, ये जो येलो कलर के अंदर ये जो वाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है, जो बेबी ने ग्रो करना है एग के अंदर। अब इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, ताकि ये क्या है, इनको कोई डैमेज ना हो, तो वो क्या होती है, एल्ब्यूमेन। ठीक है, एल्ब्यूमेन क्या होता है, जो ये ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है, येलो कलर से बाहर एग शेल के बाद और येलो कलर से बाहर जो दिखाई दे रही है आपको ऑरेंज कलर की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एम्ब्रियो और योक को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद है बर्ड्स के बारे में। अब बर्ड्स के बारे में वो क्या कहता है, बर्ड्स ले एग्स दैट हैव हार्ड एंड ब्राइटल शेल्स। जो बर्ड एग्स देते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राइटल होते हैं। ऑब्वियसली हार्ड होते हैं क्योंकि उसके अंदर बेबी ने काफ़ी दिनों तक रहना होता है। ब्राइटल मीन्स टूट जाते हैं। ठीक है, दे आर लेड इन नेस्ट। बर्ड्स अपने नेस्ट को कहाँ पर डालते हैं, एग्स को किस में रखते हैं, नेस्ट के अंदर। बट दैट आर स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पज़। अब नेस्ट बर्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसके अंदर उसने अपने क्या है, बर्ड्स रख सॉरी एग्स रखने होते हैं। द मदर और फादर बर्ड ऑफ्टन सिट्स ऑन एग्स सो एज टू हैच देम बाय वॉर्मथ ऑफ द बॉडी। अब ये देखो, एग्स उन्होंने दे दिए नेस्ट के अंदर। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, वो बेबीज उसके बाहर आते हैं, तो वो नेस्ट में रखे होते हैं। मदर या फादर क्या करते हैं, उस एग्स के ऊपर बैठ के उसको अपनी वॉर्म देते हैं। ठीक है, बर्ड्स के अंदर डाउन फीडर होते हैं, जो क्या है, डाउन फीडर होते हैं, जो बॉडी को वॉर्म देते हैं। ठीक है, अब उसी वॉर्म के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी वॉर्म, अपनी शरीर की गर्मी एग्स को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। जब मदर या फादर एग्स के ऊपर बैठ के उसको अपनी बॉडी की वॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। द यंग वन बर्ड दैट हैच आउट डू नॉट हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। अब सेवरल वीक्स के बाद जब वो क्या है, बेबी डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, तो एग्शेल तोड़ के क्या है, बाहर आ जाता है। ये देखो दिखाया गया, एग्शेल तोड़ दिया और बर्ड क्या है, बाहर आ गया। अब जब वो बाहर आता है तो उसके फीदर्स नहीं होते। अब उसके फीदर्स नहीं होते तो वो क्या है, उड़ नहीं सकता। दे कैन नॉट फीड और लुक आफ्टर देमसेल्फ। तो वो अपने आप की ना तो केयर कर सकता है, ना ही अपने आप को खाना खिला सकता है। सो वन और बोथ द पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर देम। या तो एक, दोनों में से कोई एक या दोनों मिलके क्या करते हैं, इसकी केयर करते हैं। सो वन और दे डू दिस टिल द बेबी बर्ड्स आर रेडी टू फ्लाई अवे एंड लिव ऑन देयर ओन। ये तब तक ऐसा करते हैं जब तक वो खुद उड़ने लायक नहीं हो जाता और अपने आप रहना नहीं सीख जाता। ठीक है,